दरअसल कलर्स पर रात 8:30 बजे प्रसारित होने वाले सीरियल राम सिया के लवकुश को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाई थी। समाज के लोगों का कहना है कि इसमें दिखाए गए कई सीन से उनकी धार्मिक भावनाएं आ हुई हैं। विरोध किया और पंजाब में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ, कई जगहों पर तो विरोध हिंसक भी हो गया है। टीवी धारावाहिक सिया राम के लवकुश को लेकर मचे घमासान के बीच भी समाज से जुड़े संगठनों ने आज यहां दिल्ली में पहले और बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की। साथ ही भगवान वाल्मीकि के बारे में दिखाए जा रहे अपमानजनक दृश्य पर कड़ी आपत्ति और नाराजगी जताई। संगठनों के विरोध के चलते सूचना प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनल को सख्त नोटिस जारी कर दिया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा राम सिया के लवकुश के माध्यम से गलत धार्मिक जानकारी, छवि बिगाड़ने व धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए कलर्स चैनल को नोटिस जारी किया है। इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों से भगवान वाल्मीकि संप्रदाय के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से गुहार लगाई, वाल्मीकि सदस्यों को पुण्य सदस्य बनाया जाए ताकि आगे समाज में जुड़ी फिल्मों एवं धारावाहिक में दोबारा ऐसी समस्या ना खड़ी हो। संगठनों की मांग पर केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिया कि वह 2 सदस्यों को सेंसर बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त कर देंगे। देश भर से आए संगठनों ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग से मुलाकात की। उनके साथ दिल्ली के सांसद हंस भी मौजूद रहे। इस अवसर पर तरुण चुग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मूल मंत्र से सर्व समाज की भी सभी समस्याओं का निवारण शांतिपूर्वक तरीके से हल करने के लिए वचनबद्ध है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।